विहितमसि विहितं वा सर्वमेतत्समस्तं जयति जय करुणावति श्री महादेव शंभो कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भगवती गौरा मैया सती मैया की जय। बोलो गणपति गणेश की जय। बोलो कार्तिकेय की जय। बोलो वीरभद्र की जय। बोलो मृत्युसूद की जय। बोलो वासुकी नाग की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अशतगिरि समन्तात् कज्जलं सिन्धुपत्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुरुभिर्लिखदेव गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदवपिदहुगुणानां निस्पारं नयाति। तो कल हम जो है भगवान के शंकर की कथा कल कहाँ तक सुनी हमने कि जो है भगवान ने अपनी जटाओं से शंकर भगवान ने अपनी जटा उखाड़ करके पर्वत पर दे मारी, जिससे जो है क्या प्रकट हो गए थे कल वीरभद्र और भद्रकाली। एक भद्र हो गए और एक भद्रकाली, ये दोनों प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने इन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और क्या कहा, हमें आदेश दो, किस लिए हमें किस हेतु हमें प्रकट किया है, हे प्रभु आप हमें किस उद्देश्य से प्रकट किए हैं, इसलिए हमें जो है आप आदेश दो, हम यथा शीघ्र वो कार्य पूर्ण करेंगे। तो भगवान शंकर आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम दक्ष के यज्ञ में जाकर के सारा यज्ञ विध्वंस करो, कोई तुम्हारी वंदना भी करेगा पूजेगा भी तुम्हें तब भी तुम मत छोड़ना। जो है हमारा वहां पे बहुत अपमान हो चुका है, साथ में क्या हो गया, सती ने वहां जाकर के प्राण दे दिए, अब जो है सब अक्षम्य अपराध है, इसलिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस होना जरूरी है। तब क्या हो गया, सब जो है वीरभद्र भद्रकाली सहित असंख्य गण जो है गरजते हुए जो है दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले गई और जो है उनके पहुंचने से पहले वहां आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन होने लगे, उनको जो है अपशकुन दुनिया भर के जीव कौवे जो है रोने लग गए हैं, इस प्रकार से जो है अपशकुन हो रहे हैं। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि के यज्ञ को विध्वंसक सूचक प्राप्त हो रहे, एक से अपशकुन हो रहे हैं यज्ञ विध्वंस होने की, दक्ष की पाएं आंख फड़क रही है, पांव तथा जंगा भी फड़कने लग गई, पृथ्वी में भूकंप आने लग गया, वीरभद्र के चलने से सारी पृथ्वी कांपने लग गई, भूकंप आने लग गया, धरा कंपित हो गई भूकंप से, धरा दिशाएं जो है मलिन हो गई, मलिन का मतलब यहाँ पे मलिन का मतलब जो है मैल से नहीं है, डरावनी हो गई, अलग प्रकार का जो है धुंधलापन छा गया चारों ओर, जैसे होता है ना कभी कभार मौसम कैसा होता है कि बाहर आज तो डरावना मौसम हो रहा है, ऐसा अपशकुन हो रहा है, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य में काले दाग दिखने लग गए, जो है उस वीरभद्र की छाया, उस महापुरुष की छाया जो है महाकाय की छाया से भगवान सूर्य नारायण भी काली छाया से ग्रसित हो गई, काली छाया दिखाई देने लगी। बिजली और
अग्नि के समान जो है जो नक्षत्र तारागण थे वो टूट करके इधर उधर गिरने लग गए। हजारों की दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। और जहां यज्ञ मंडप बना रखा है वहां कई गिद्ध आ गए। पहले समय में देखोगे नदी की तरफ बहुत सारे गिद्ध देखे होंगे, बड़े बड़े गरुड़। तो जो है गरुड़ को पहले ही आभास हो जाता है, उसकी दृष्टि 40 किलोमीटर से भांप लेती है कि फलानी जगह पे जीव पड़ा है। इसलिए वो जो है नदी में पहले पशु डाले रहते थे, कोई मर जाते थे पशु इसलिए डाल देते थे, तो वो जो है आ जाते थे। अगर कोई पशु मर रहा है प्राण त्याग रहा है तो वो तब तक घूमते रहते थे ऊपर आसमान में जब तक कि वो प्राण न त्याग दे। ऐसे ही अब सब जो है दक्ष के सिर के ऊपर हो रहा है। क्या हो गया, वहां गिद्ध आ गए, कई असंख्य गिद्ध घूमने लग गए उसके सिर के ऊपर। गीदड़ भयानक शब्द करने लग गए, श्वेत बिच्छुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लग गई। गीदड़ जो है रोने लग गया। गीदड़ तो देखा नहीं होगा आप लोगों ने, देखा होता है ना यहाँ पे कम दिखता है, तो वो रोने लग गए। कुत्ते जैसा होता है उसका आकार, तो वो रोने लग गए। बड़ा अपशकुन माना जाता है उसका रोना, तो वो भी जो है वहां चिल्लाने लग गए, रोने लग गए और आसमान से उल्का पिंडों की बरसात होने लग गई। उल्का पिंड गिरने लग गई, सफेद रंग के बिच्छुओं की बरसात होने लग गई, प्रचंड आंधी आ गई। दक्षाधिक बार बार जो है रुद्र का अपमान करने लगे, बहुत तेज आंधी आ गई, सब कुछ तहस नहस होने लग गया। इतना तक कि अब दक्ष इतना डर गया कि खून की उल्टियां करने लग गया, रुद्र की उल्टियां करने लग गया, आकाश में रक्त व्याप्त होने लग गया और साथ में आकाश से भी रक्त की वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, सारी दिशाएं जो है उन शिवगणों के चरणों की रज से जो है अंधेरा बना गया, अंधकार छा गया। दिग्दा होने लगा और विष्णु को भी अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। भगवान नारायण जो यज्ञ में विराजमान थे वो भी भयभीत हो गए उस यज्ञ उस जो है उत्पाद को देखकर। वैकुंठवासियों सहित सब की शक्ति क्षीण हो गई, सब घबरा कर अपने अपने स्थानों पर पशुओं के समान लौटने लग गए। प्रकार से क्या हो गया, भगवान नारायण ब्रह्मा आदि सब देवी अक्ष राक्षस गंधर्व जो है सब अपने अपने स्थान पर दुबक गए। किस तरह दुबक गए, जैसे कछुए चले जाते ना जमीन के अंदर, ऐसे दुबक गए, निष्क्रिय हो गए। सब जो है एक जो लौटने लगे, चकराने लग गए उनको। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी है, मूर्ख है, अब तुझे जो है शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी क्या कह रही है कि अब तक तो जो ये यज्ञ यहां तक हुआ, यहां तक जो है शुरू होना था तब तक तो भगवान शंकर की कृपा थी, भगवान भक्तों के अपराध तुरंत क्षमा कर देते हैं। हम तो कई अपराध करते हैं ना मनुष्य, और भगवान को कहते हैं प्रभु माफ कर देते हैं। परंतु अगर हम कहेंगे प्रभु तू कौन होता है, हम खुद ही अपने आप को माफ करेंगे, मैं ही हूँ प्रभु, तो प्रभु कहते हैं कि अब ये अक्षम्य है। इसलिए कह रहे हैं आकाशवाणी हो रही है कि अब जो है सब समाप्त हो जाएगा, तेरे को महान दुख प्राप्त होगा, तेरे कारण आज यहां उपस्थित देवताओं को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। कि अगर यहां कोई देवता भी मारा गया, कोई गंधर्व यक्ष भी मारा गया, तो उसका सबका कारण तू ही होगा। इस प्रकार से दक्ष को आकाशवाणी हो रही है। दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता हुआ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंच गया। अब जो है इस प्रकार से माहौल कैसा बन गया, चित्र दिखाई दे रहा ना मस्तिष्क में, कि जो है शिव गणों के चरणों से धूल उड़ रही है, आंधी हो रही है, तूफान हो रही, कोलाहल हो रहा है, भगवान शंकर के जयकारे हो रहे हैं, कोई रुदन कर रहा है, भूत प्रेत कैसे करते हैं।
जहां भूत का वास होगा वहां तो उपद्रव होगा। यज्ञ विध्वंस हो गया, रक्त की बारिश होने लग गई, उल्का पिंड गिरने लग गए, आग लग गई जगह जगह। इस प्रकार से ये सब देख करके दक्ष का जो है प्राण गले में अटक गया और दक्ष जो है भगवान विष्णु के पास चले गया, प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं, यहाँ तो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये तो बड़ा संकट आ गया है। तब भगवान की विष्णु करते हुए बोला, दक्ष बोल रहा है, हे विष्णु मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, अतः हे प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की आप रक्षा कीजिए। दक्ष जो है भगवान नारायण को कह रहा है कि जो है यज्ञ पुरुष तो आप ही हैं प्रभु, अब आपका दायित्व है कि मेरे इस यज्ञ की रक्षा करो। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवा कर उठते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष तुमने शिव जी को क्यों नहीं बुलाए, सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का ही यह फल है कि जो तुम्हारा यह कार्य विफल हो रहा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं क्यों नहीं बुलाया था, पछता रहे हो, बिना भगवान शंकर के बिना उन सर्वेश्वर के यह कार्य तो वैसे भी सफल नहीं होगा, विफल हो रहा है, इसलिए पूजों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां ही आती हैं। अगर जो है हम अपने घर में श्रेष्ठ का जो गार्जन हम उसका अपमान करेंगे बार बार तो क्या होगा, हमें मार्ग दिखाने वाला कोई होगा नहीं, भला और बुरे का ज्ञान देने वाला कोई होगा नहीं, इसलिए क्या होगा हम जगह जगह ठोकरें खाएंगे, गिरते रहेंगे, असफल होते रहेंगे, ऐसे में ही जीवन व्यतीत होता रहेगा, सारे जीवन उन्नति नहीं करेंगे। ऐसे ही नारायण कह रहे हैं कि जो है जो यज्ञ पुरुष भगवान शिव थे उनको तो तुमने बुलाया नहीं, इसलिए अब ये ठोकरें तो पड़ेंगी, तुम्हारे साथ साथ हमें भी पड़ेंगी। भगवान विष्णु क्यों गए थे वहां, क्यों, क्योंकि दक्ष जो है भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, और जो है भक्त जब बुलाता है तो भगवान चले जाते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं मैं तो इसलिए आ गया भाई, मेरे को तो आना ही पड़ा, तूने भक्ति से बुलाया और तेरा यज्ञ था इसलिए मुझे तूने आह्वान कर दिया, मुझे बिठा दिया, मैं आ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर के दक्ष का मुंह सूख गया। अब जो है दक्ष का मुंह का पानी जो सूख गया कि अब क्या करूं, वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। अब जो है दक्ष ने क्या किया, सिर पकड़ा अपना और बैठ गया, असहाय होकर के अब कुछ नहीं हो सकता, कौन बचाएगा मां मुझे, यहां तो नारायण भी जवाब दे रहे। इस समय अपनी महासेना लिए शिव जी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य सूर वीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। इतना कहते ही दक्ष के बैठते ही वहां जो है कौन पहुंच गया, वीरभद्र भद्रकाली और असंख्य शिवगण वहां पहुंच गए। उस सेने का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से फिर से जो है उल्टियां करने लग गया, उसका ब्लड पे सल्लू हो गया, गिर गया खून पे, लौटने लग गया कि अब क्या करूं, हे विष्णु जी मुझे आप ही का भरोसा है, मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक हैं, धर्म के अधिष्ठाता हैं, हे स्वामी आप मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अर्धमूर्छित चिंता में लीन जो है दक्ष जो है भगवान विष्णु से कह रहा है, प्रभु जो मर्जी हो, यज्ञ पुरुष तो आप ही हैं, अब आपके अलावा मेरा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब विष्णु जी ने दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोला, हे दक्ष मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं धर्म पालन करने के लिए ही सत्य प्रतिज्ञा हूं। भगवान नारायण कह रहे हैं दक्ष को कि भाई मैं तो करूंगा, अपने कर्तव्य के लिए अवश्य मैं खड़ा रहूंगा, अधिक खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहां से भाग जाऊं।
परंतु जो तुमने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं तो धर्म पालन के लिए, क्योंकि मैं पालनहार हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, परंतु अब तो अपनी क्रूर बुद्धि को त्याग दो, केवल कर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता है। ऐसा है ना, कभी कभार क्या होता है, हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, खाली कर्म करते हैं, कमाने के लिए, खाने के लिए, पेट के लिए, ऐसो आराम के, अधर्म किया नहीं। तो वही कह रहे हैं नारायण जो है दक्ष को, कह रहे हैं कि तू तो ये कर्म कर रहा अपने आप को प्रजापतियों का पति कहनाने के लिए, कि मैं जो हूं सब राजाओं का राजा हूं, इसलिए तू श्रेष्ठ बनना चाह रहा है। तो सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता है, धर्म जो है पहले, धर्मो रक्षति रक्षतो, धर्म की रक्षा करोगे तो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अभी भी जो है अपनी उस क्रूर बुद्धि को त्याग दो, केवल कर्म सदा फलदायी नहीं होता है, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने से करोड़ों कल्प तक भी नरक में पड़े रहने के समान होता है। तो तुम यज्ञ कर रहे हो, और जो है किस बल पे, अपने ताकत के बल पे, अपने राजा होने के बल पे, क्योंकि तुम्हारे पास सामग्री है, सब कुछ हो, और जो जो है अधिकारी है, यज्ञ पुरुष है, भगवान शंकर है, जो जो स्वयं में एक यज्ञ है, उनको तुमने तिरस्कार कर दिया, तो यह तो कल्पों के समान, कल्पों तक जो है नरक में पड़े के समान है, इससे तो कभी भी उद्धार नहीं होगा। यह वीरभद्र शंकर के गुणों का ऐसा सेनापति है कि जो शिव जी के शत्रु का सर्वदा नाश ही कर देता है। तो भगवान शंकर का जो यह जो गण यहाँ पहुंचा है वीरभद्र, यह क्या है, यह जिसको जो आज्ञा मिल गई वो करके ही जाता है, निसंदेह यहाँ रक्तपात होगा, यहाँ यह जो है हम सबका नाश अवश्य करेगा, परंतु मैं जो है युद्ध के लिए तत्पर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस प्रकार कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने इसे छोड़ा नहीं कि वह शिव जी के पास चला जाएगा। क्या कह रहे भगवान नारायण, क्यों चला जाएगा शिव जी के पास, क्यों, क्योंकि शिव के ही लिए हुए आयुध हैं तीनों देवों के पास, इसलिए अगर शिव पे छोड़ेंगे तो शिव अपने पास वापस ले लेंगे। तो समझा रहे हैं कि जो है मैं यदि कोई अस्त्र का संधान करता हूं तो वह भगवान शिव को समर्पित हो जाएंगे, वही उनके पास चले जाएंगे। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान शंकर को रोक सकूं। यदि हम आदर से वीरभद्र का पूजन करें तो भी शंकर क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान नारायण कह रहे हैं कि अब हम यदि, अब जो है पानी जो है सिर जो है पानी के अंदर डूब गया है, कह रहे हैं कि सिर सफाई पानी में चले गया है, अब तो हम जाए वीरभद्र की आरती उतारें, तब भी हम जो है भगवान शंकर के कोप से नहीं बच सकेंगे, हमारी रक्षा नहीं होगी। हम यदि यहां से भाग जाएं तो यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुकती नहीं है। देखो दक्ष, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा तो हूं, पर मुझसे जितना होगा मैं वही कर सकता हूं, क्योंकि युद्ध किससे हो रहा है, परम प्रभु भगवान शिव से। तो जो है अगर हम भाग के पाताल भी जाते हैं तो इस बात वीरभद्र में इतनी शक्ति है, वो वहीं से पकड़ के ला देगा हमें, इसके अस्त्र ऐसा कोई जगह नहीं है जहां असफल होते हैं। विष्णु जी के ऐसा कही रहे थे, वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गई जिसके साथ महासागर रूपी सेंडा जो है यज्ञ मंडप में मंडराने लगी। बोलो शंकर भगवान की, तब ब्रह्मा जी बोल रहे, उस समय
इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगे। अब क्या हो गया, वहां इंद्र जो है अपनी प्रशंसा करने लगे, विष्णु जी तो वही हो इधर में, अरे मैं हूं प्रतापी, मैं हूं बलवान, इस प्रकार से उपहास उड़ाने लग गया। देवताओं सहित जो है हाथ में वज्र लेकर के वीरभद्र से युद्ध करने के लिए इंद्र जो है आगे बढ़ गया। तब उसका यह उद्योग देख करके रुद्र से भीगा हुआ मुख दक्ष अपने स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। अब जो है दक्ष वहां से भी पलट गया, कह के अब ये है भाई मुझे बचाने वाला है, यही बचा सकता है मुझे। इसलिए अब जो है दक्ष ने सब परिवार पकड़ा अपना और इंद्र के चरणों में गिर गए कि बस स्वर्गाधिपति इंद्र अब आप ही हमारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे ही तो भरोसे मैंने ये यज्ञ ठहराया था, तुम्हारे ही भरोसे यह यज्ञ हो रहा था, अब तुम लोग ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं जानता हूं आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुनकर देवताओं से इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। इस प्रकार से भगवान शिव ने इंद्र की बुद्धि मोहित कर दी और जो है इंद्र जो है युद्ध करने के लिए चल दिया। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चारण किया। अब वहां एक और कौन थे, भृगु ऋषि, वो क्या करने लग गए, शिव गणों का उच्चारण अर्थात उनका सम्मोहन करने लगे, बंधन करने लगे, जिससे वो एक जगह ही रहे या भाग जाए या युद्ध न कर सके, इस प्रकार से उनकी मारण विद्या या उच्चाटन विद्या करने लगे। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे, इस प्रकार से सब भूत प्रेतों का वो बंधन करने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। तब जो है यह स्थिति वीरभद्र ने देखी और उठाया त्रिशूल और देवताओं को गिराने लग गया। देवता यक्ष सिद्ध चारण सभी उसके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कटकर मरकर गिर रहे थे और कितने ही वहां से भागे जा रहे थे। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे, सिर्फ जो है सब देवता गिर गए परंतु इंद्र तब तक भी वो लोकपाल जो है युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहा। तब उन्होंने देव गुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। जो है इंद्र जो है युद्ध क्षेत्र में जो है भगवान बृहस्पति का आह्वान करके, गुरु बृहस्पति का आह्वान करके उनसे जो है विजय का मूल मंत्र पूछने लगा कि मैं किस प्रकार इस वीरभद्र पे विजय पाऊं। बृहस्पति जी भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूं, जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता या विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इतना तो भगवान नारायण ने समझाया, फिर भी तुम सिद्ध हो गए और युद्ध के लिए आगे आ गए। जो शिव का विरोध करेगा, शिव से युद्ध करेगा तो वो शिव से कभी नहीं जीतेगा। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल पर में आए हो। ये परम कुपित शिव जी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हो, इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे। ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। जो है देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़ते रहो। ये जो है भगवान शिव के जो गण हैं ये वीरभद्र सहित उत्पात तो करके रहेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्न नाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर इंद्रादिक लोकपालों को बड़ा दुख हुआ।
उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादि देवताओं से कहा, हे मूर्खो, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए? अब तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल देता हूं। इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चातुर देवता, आज मैं तुम्हें इसका ऐसा फल देता हूं जिससे तुम सर्वदा ही तृप्त हो जाओगे। कि हे यक्षो, हे लोकपालो, हे इंद्रादि देवताओं, जो भी यहाँ भाग ग्रहण करने आया है, तुम्हें यज्ञ का फल मैं देता हूं, तुम आ जाओ मेरे पास। जो है, आज तक तुम्हें ऐसा फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से देवताओं को प्रहार करने लग गए, जिससे भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों से वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे हुए देवता उसका समाचार देने के लिए पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा, हे रमापति, हे नारायण, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब जो है, युद्ध क्षेत्र में से सब देवता इंद्रादि भी भाग गए। अब जो है, देवता भगवान नारायण के पास पहुंच गए और कह रहे हैं कि सब तो भाग गए हैं, हे प्रभु, अब किस भी प्रकार करनी है, यज्ञ की रक्षा हो ना हो, यहाँ सब देवगणों की, यक्षों की, गंधर्वों की, नागों की, सब की रक्षा करो प्रभु। तब ऋषियों के ऐसा कहने के पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए संबंध हो गए। भगवान नारायण जो है कि अब क्या करना है, मैं तो, मेरा धर्म है रक्षा करना, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सुदर्शन चक्र में लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु जो है यज्ञ मंडप से बाहर आ गए। उन्हें देख करके वीरभद्र ने जो है आंखें तन दी, क्रोध आ गया वीरभद्र को और अत्यंत क्रोध से बोले, हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन किया है? क्या जो है, तुम भी शिव जी के सामर्थ्य को नहीं जानते हो, तुमने भी उल्लंघन किया है आज्ञा का। भला आपका चित्त ऐसा कैसे हो सकता है? आपका हृदय भी ऐसे मलिन है जो आप यहाँ आ गए। तब जो है भगवान नारायण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हे वीरभद्र, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार जो है आप जो है भगवान शंकर के भक्त हो, भगवान शिव के भक्त हो, उसी प्रकार मैं भी उनके चरणों का दास हूं। और जो है ये दक्ष मेरी पूजा करता है, मेरा भक्त है, इसने मुझे बुला लिया और मैं आ गया, बस इतना दोष मेरा है। क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा था? क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ कहा था तुमने नहीं सुना था? इस प्रकार से जो है वीरभद्र कह रहे हैं कि तुमने जो है सती को देखा नहीं था, जब सती ने जो है अपनी देह को भस्म कर दिया था, तब तुम कहां थे? जब जो है दधीचि ऋषि उपदेश करके चले गए, तब तुम कहां थे? तब तुम्हें शुद्ध क्यों नहीं आए? तुमने जो है इसको क्यों नहीं समझाया दक्ष को? अब तुम्हारी रक्षा जो करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे रे विमुख शंकर विमुखी अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिव जी के महात्म्य को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी जो है धरा पे धराशायी करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, वीरभद्र, मैं कौन से युद्ध करना चाहता हूँ? मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, मैं किससे करूँगा? भगवान शिव तो मेरे भी प्रभु हैं, तुम्हारे भी प्रभु हैं, मैं इसलिए युद्ध करना नहीं चाहता हूँ।
परंतु जो है मैं यहाँ से हट भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जो है धर्म के बंधन में बंधा हुआ, मुझे युद्ध भी करना ही पड़ेगा। इसलिए हे वीरभद्र, तुम भी अस्त्र उठाओ और मैं भी अस्त्र उठाता हूँ और हम युद्ध करते। इसमें हार जीत में जो फैसला होगा वह वही मान्य होगा। तब जो है वीरभद्र कह रहे हैं कि मैं तो यही जानने के लिए आपसे इस प्रकार के शब्द कह रहा था, क्या आप भगवान शिव को भूल गए या सत्य में उनके भक्त हो। तब वीरभद्र कह रहा है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम भी भगवान शिव के भक्त, भगवान शिव के अंश, मैं भी भगवान शिव का भक्त और भगवान शिव का अंश हूं, इसलिए हम युद्ध कैसे करें। तब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आप निसंदेह युद्ध कीजिए, मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने धाम को लौटूंगा। भगवान नारायण कह रहे हैं मैं ऐसे थोड़ी जा सकता हूँ, छोड़ दो, तुम मुझे हरा दो कोई बात नहीं, या तो तुम स्वयं हार जाओ या मुझे युद्ध में हरा दो, तब जाकर के मैं यहाँ से जाऊंगा। यदि आप तुम हार गए तो तुम शिवलोक को चले जाओगे, कैलाश को चले जाओगे, यदि मैं हार गया तो मैं वैकुंठ को चला जाऊंगा, परंतु होगा युद्ध अवश्य, तुम अपने भयंकर अस्त्रों से मुझे प्रहार करो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं महाबलशाली वीरभद्र और महाबली विष्णु का भयानक युद्ध होने लग गया, घोर युद्ध हो रहा है। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के पास हो वीरभद्र के गुणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण अनेक